मनीष, ऐसा क्या रहा कि पहले बर्खास्तगी होती है, उसके बाद आज सीएम गहलोत 10 बजे आकर के इस पर पूरी बात अपनी रखेंगे। उधर हमने गुड़ा को सुना, केंद्र में स्मृति ईरानी हमलावर ही है, क्या कुछ चल रहा है ये? स्नेहलता, सबसे अहम बात कि राजेंद्र गुड़ा ने जो बात कही वो राजस्थान विधानसभा के सत्र में कही, और अगर सत्र में सदन के भीतर अगर कोई मंत्री खड़ा होकर बोलता है तो ये माना जाता है कि ये सरकार का एक आधिकारिक बयान है। बस यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुभ गई, क्योंकि इसके पहले राजेंद्र सिंह गुड़ा कई बार निजी तौर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने जब सदन के भीतर बात कही तो निश्चित तौर पर राजस्थान की गहलोत सरकार इसकी वजह से डिफेम हुई, और आज पूरे राजस्थान में राजस्थान की गहलोत सरकार को लेकर जो चर्चा चल रही है वही बात नागवार गुजरी अशोक गहलोत को, और उन्होंने फौरन ही राज्यपाल से अनुशंसा करके राजेंद्र सिंह गुड़ा को बर्खास्त कर दिया। आज दोपहर 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये कह सकते हैं कि राजेंद्र गुड़ा को लेकर के जितने भी सवाल होंगे संभवतया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका जवाब देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बीजेपी को बैठे बिठलाए एक मुद्दा मिल गया, बीजेपी ने पूरी तरह से चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है गहलोत सरकार की, और इस बीच कुछ नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। आज तमाम केंद्रीय मंत्री जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और इसके अलावा प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और राजस्थान के चुनाव प्रभारी भी, वो तमाम लोग जयपुर में हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो गहलोत सरकार को जमकर घेर पाए, और खुद अशोक गहलोत ने ये मौका राजस्थान की बीजेपी को दिया है कि वो एक मौका ऐसा हाथ में लें और सरकार की घेराबंदी कर दें। लेकिन फिलहाल गुड़ा ने ये साफ नहीं किया है कि वो कहां जाएंगे उनका अगर जी विवेक। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था कि आप बता रहे हैं कि 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें राजेंद्र सिंह गुड़ा को लेकर सारी बातें साफ कर दी जाएंगी। राजेंद्र राठौड़ हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा उनके बयान को बताया था कि कांग्रेस के मंत्री ऐसा कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी भी ऐसा कुछ ऑफर आज ही देने वाली है इनको? अगर राजेंद्र सिंह गुड़ा के अब तक के पुराने राजनीतिक पृष्ठभूमि को चेक किया जाए विवेक, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको लेने को तैयार है, क्योंकि राजेंद्र सिंह गुड़ा साल 2008 में पहला चुनाव बसपा से जीते थे और उसके तुरंत बाद वो अशोक गहलोत सरकार में शामिल हो गए, मंत्री पद से नवाजे गए। उसके बाद साल 2015 में उन्होंने वापस बीएसपी ज्वाइन कर ली और 2018 का चुनाव वो एक बार फिर बीएसपी के टिकट पर जीते, और फिर अशोक गहलोत सरकार को अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने समर्थन दिया। यानी दोनों बार अशोक गहलोत की सरकार की बैसाखी अगर कोई बना तो वो राजेंद्र सिंह गुड़ा। ऐसे में उदयपुर वाटी जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां वो एक बार फिर बीएसपी में जाते हैं या बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि एक बार फिर राजेंद्र गुड़ा अपने तमाम साथियों के साथ बीएसपी से एक बार फिर चुनाव लड़ें, क्योंकि वहां का जातिगत समीकरण कुछ इस तरीके का है। रूठे सुजन मनाइए वाली बात होगी तब तो 100 बार भी मना लेंगे, लेकिन बात नहीं बनती है तो किधर जाएंगे गुड़ा, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।